अच्छे तरह से कंडक्ट कर रहे हैं और सभी अतिथियों का स्वागत भी आपके मुखरबिंद से हुआ। क्या गोल सेकेंड मैच कोल्हान टाइगर वर्सेस आयोग हार्ट की। तो देखें अब जैसे जैसे मुकाबला टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा मैचों में संघर्ष। उनके साथ मौजूद थे प्रोफेसर रविशंकर मौर्य जी। सेकेंड हाफ सॉरी सेकेंड राउंड का सेकेंड मैच कोल्हान टाइगर वर्सेस आयोग हार्ट। ये तो ब्लैक एंड ग्रीन जर्सी सभी खिलाड़ियों से मिलते हुए ये है आयोग हार्ट। कुछ औपचारिकताएं कुछ फॉर्मेलिटीज और उसके बाद हमारा दूसरा मैच खेलने के लिए तैयार है। तो खेलने के लिए पहुंच गए हैं आयोग हार्ट और रहेंगे। मैनेजर महोदय आप विलंब ना करें, रात अपनी गहराई की ओर बढ़ता चला जा रहा है, ठंड भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है। तीसरा मैच दादू नाती एफसी यानी दादू नाती फुटबॉल क्लब। और इसी तरह और एक अतिथियों का मैदान में जूता हुआ आसू पार्टी के और ये जिला सचिव आदरणीय संतोष जी हमारे भी चेयरमैन हुआ हो चुका है, उनका भी अर्जुन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन करती है और साथ में उनका आभार प्रकट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हुई हैं उनमें दर्शकों को बैठने के लिए वो कुर्सियां नहीं है, या जो भी दर्शक वहां खड़े हैं आप लोग प्लीज वो खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित इलाका है, हमारा ऑफिशियल डेस्क वहां पे है, लिहाजा जो दर्शक खिलाड़ियों की चेयर पे बैठे हुए हैं वो वहां से वो चेयर छोड़ दें और जो दर्शक खड़े होकर मैच देख रहे हैं वो भी उस जगह को छोड़ दें। अन्यथा हमारे कमेटी मेंबर जब आपसे कहेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। आयोग हार्ट और जीतने वाली टीम एक राउंड आउट तय कर लेगी, एक बाधा एक हर्डल और पार कर लेगी और आहिस्ते आहिस्ते वो चैंपियनशिप का जो रास्ता है वे ऑफ चैंपियनशिप उसमें एक कदम और आगे बढ़ा देगी। बढ़िया ग्रीपिंग गोलकीपर के द्वारा सीधे उनके ग्रीप में और ये लंबा उतरती है। जो सुबह से सभी को यहां पर खेलने के लिए बुला रहे हैं, सभी अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूं। हमारे माइक पे मुख्यतः चार लोग मौजूद हैं, हमारे पड़ोसी राज्य से आए हमारे बड़े भाई के फादर इन लॉ मिस्टर सुरेश सांडिल जी, उनके साथ मौजूद हैं हमारे लौह बसा क्षेत्र के बड़े भाई गुराधर गोप जी, हमारे अंकल जी केपी अंकल केपी सिंह अंकल रोशन रंजन जी, सभी एंकर्स और हमारे अभिभावकों से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप सुबह से निरंतर सभी मैचों को अच्छे तरह से कंडक्ट कर रहे हैं और सभी अतिथियों का स्वागत भी आपके मुखरबिंद से हुआ। क्या गोल शानदार
पहली गोल, सेकंड राउंड सेकंड मैच फर्स्ट गोल आयोग हार्ट ने बढ़त बना ली है। मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट जो दिख रहा है कि जैसे 2 लाख का लिफाफा वो आज लेकर के जाएंगे। दिन पर दिन ये भीड़ बढ़ता ही चला जा रहा है गुना का, लेकिन उम्मीद ऐसा लग रहा है आप किसी भी रोड से गुजरे, घोड़ा बंदर रोड या कंप्यूटर रोड, भीड़ काफी है, खचाखच है, अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन 10,000 से ऊपर लोग यहाँ भी मौजूद हैं आने का, जबकि एक सूर्य के पड़ अभी भी अपने हाथों में है। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच के समीप आएं और उनको लीड करेंगे मिस्टर सुमित राजभर। आप चारों तरफ मैदान का एक राउंड लगाएंगे, सभी लोग जो मंच के पास मौजूद हैं या मंच से थोड़ा दूर हैं तो कृपया मंच के समीप आ जाएं। सभी वॉलंटियर्स हमारे साथीगण जो लास्ट पिछले महीने से लगे हुए हैं इस मैच को सफल बनाने में, आपसे आग्रह। मैनेजर से गुजारिश करना चाहूंगा कृपया आप अपने खिलाड़ियों को लेकर हमारे मेडिकल शो पर चले आए, जो आज का दूसरा चक्र का तीसरा मैच दादूनाथ एफसी बनम किंगसन टील को, इन दोनों टीमों के टीम कप्तान और टीम मैनेजर से गुजारिश करना चाहूंगा कृपया आप अपने खिलाड़ियों को लेकर हमारे मेडिकल जोन पर लेकर चले आए। रायन हार्ट के लिए एक मौका बन सकता है बढ़त बनाने की। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा हमारे वॉलंटियर्स, मुझे पता है आप थक गए हैं लेकिन आपके मेहनत के बिना ये सफल हो पाना नामुमकिन है, तो सुमित आप लीड करें, मेरे ख्याल से सभी लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। मिस्टर सुमित मैदान की चारों की विशाल समूह फुटबॉल का परिचय देते हुए और उस शासन बना के खेल का आनंद लेते हुए, यही है हमारा अर्जुन ट्रॉफी का एक खूबसूरती, जो मैदान के चारों की विशाल समूह परिचय देते हुए इस अर्जुन ट्रॉफी का क्या जरूरत है इस नाम को देने के लिए। दादूनाथी फुटबॉल क्लब वर्सेस किंगसन टेलको, मैंने इनसे आग्रह की हाफ टाइम के बाद आप तैयार रहें। मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ अभी क्या है, 11-12 बजे इसीलिए तो लाइट लगा है। रुका अभी सेकंड मैच का, सेकंड राउंड का सेकंड गेम चल रहा है, अभी खेल रहा है, गोरालंग खेल रहा है।
हाँ कल्याण टाइगर के साथ और इतना जल्दी थोड़ी करेंगे अभी, वो तो पहले रेस्ट मिला था ना बीच में, तो दो टू नहीं किए तो किए उसके, अभी तो नहीं मिल रहा है। हमारी कमेटी के सारे मेंबर्स उनको स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, मैं उनको कहूं करा दूं। हमारे मंच पे विराजमान अर्जुना ट्रॉफी के संस्थापक और इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला परिषद रहे आदरणीय बड़े भाई गणेश सुराखी जी, साथ में पेयजल विभाग के मंत्री रहे और वर्तमान आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव परम आदरणीय रामचंद्र सही जी, साथ में आसू पार्टी के जिला प्रभारी रामकृष्ण मोरिया जी, क्षमा प्रार्थी हूं रवि शंकर मोरिया जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई बिंदानी सिरका जी, हरीश क्षेत्र के नेता और आसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राजेश कर्मकार जी, भारतीय जनता पार्टी घोड़ाबंदा मंडल के मंडल अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई खोगेश पाल जी, मंच पे विराजमान आसू पार्टी के जिला सचिव हमारे परम मित्र संतोष सिंह जी, सभी अतिथियों को मैं अर्जुना ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा, उनके बहुमूल्य समय से थोड़ी सी समय निकालकर जो आज हमारे अर्जुना ऑर्गेनाइज कमेटी के लिए समर्पित रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अनेक लोगों का साथ मिलता रहा है, मगर इस साल आप चारों तरफ देख रहे होंगे ग्रीन स्काई फाउंडेशन। ग्रीन स्काई फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो हमारे घोड़ाबंदा प्लाजा मोड़ पर लॉकडाउन के समय से अभी तक लोगों को भोजन करा रही है, साथ ही साथ उनका एक काउंटर बारीडी संडे मार्केट के एंड में एक काउंटर है और अनेक तरह से लोगों के बीच अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। असंभव है, आप सभी अतिथियों के साथ खेल प्रेमियों को भी हमारी कमेटी मिलन संघ और अर्जुना ट्रॉफी के चेयरमैन गणेश सोलंकी जी की तरफ से आपका स्वागत, आपका आभार। मिस्टर मानव कर्मकार, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके ऊपर मंच पर आएंगे मिस्टर मानव कर्मकार। बहुत बहुत ध्यान देंगे, काफी अंधेरा हो चुका है, आपने सुरक्षित शानदार को एक बार फिर से सीधे सेकंड बार
पांचवें गोलकीपर के लिए कोई मौका नहीं है। और आपको ये कहना पड़ेगा सिंह जी, रोशन ये कहना पड़ेगा कि अब आयोग हार की टीम बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी है। अब कोई चमत्कार प्रदर्शन ही जो है उनके प्रतिद्वंदी कोल्हान टाइगर को मैच में वापस ही ला सकती है। तो 30 मिनटों के इस ये जो फॉर्मेट है शॉर्ट टाइम का, इसमें कोई टीम यदि 2 गोल की लीड ले जाती है तो बहुत ही यदि बदकिस्मत टीम रहेगी तो अपनी वो बराबर कर सकती है, अन्यथा जो है इस वक्त एक बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत स्थिति में हमारी आयोग हार चुकी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा सर, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के मैचेस में गोल ज्यादा हो रहे हैं। पहले मैच में ग्रीन स्काई फाउंडेशन ने 3 गोल के साथ विजय प्राप्त की और अभी आयोग हार 2-0 की बढ़त पर। रोशन आपने, क्योंकि अभी भी मैच के कुछ मिनट बाकी हैं और 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त आयोग हार के पास है, इससे बेहतर प्रदर्शन कोई भी टीम अपने लिए और क्या कर सकती है। और पहले मैच में जो प्रदर्शन था कोल्हान टाइगर साहिवासा का, वो इस मैच में नजर नहीं आ रहा। मोटुदा के साथ जो हमारे वॉलंटियर हैं, ये जो मंच के सामने जो लॉबी बना है ना, ये एक्स्ट्रा प्लेयर्स मैनेजर उन लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पर दर्शकों का जो जमावड़ा है वो ज्यादा हो गया है। तो मैं सुमित राजभर जी से आग्रह करूंगा, आप अपनी टीम के साथ कल भी मैच खेला जाने वाला है, थोड़ा आप सहयोग करें, आपके सहयोग के बिना ये टूर्नामेंट असंभव है। धन्यवाद। मंच के दाई और एक बॉल गया था, बॉल बॉय कृपया उस बॉल का ध्यान रखें। मंच के दाई और एक बॉल गया था, बॉल बॉय अरे लेकिन मेरे को तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेयर में आया है जी। बॉल शायद मिल गया है, अगर मिल गया है तो इशारा कर दें। दो समय की बढ़त, महत्वपूर्ण बढ़त मैं कहूंगा आयोग हाथ की ओर से। और जो गोल से, क्योंकि यदि आप उसे डराएंगे तो और तेजी से वो दौड़ेगा मैदान की चारों तरफ। गेंद के लिए कसकस में थोड़ा सा फीजी खोलते हुए दोनों खिलाड़ी, लेकिन डेस्टी ने आगे एक फेंक किया, तब्दीली है डेस्टी नंबर 2 इन। खिलाड़ी के बदले हमारे बहुत बढ़िया ग्रेपी, मैं लगातार तीसरी बार मैं देख रहा हूँ रोहतक, ये जो गोलकीपर है बहुत अच्छी ग्रेपिंग है, बहुत ही उम्दा गोल कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि सीधे गेंद गोल पोस्ट में है। बिल्कुल सर, कोई भी गोलकीपर जो है इतना रिस्क नहीं लेगा कि पूरी तरह से उसे ग्रिप करते हुए डेड करे। यह जो आप मैच देख रहे हैं, आयोग हाट ब्लैक और ग्रीन जर्सी में 2-0 की बढ़त पर, और इस गेम के तुरंत बाद जिनका मैच होगा वो है दादूनाथी एफसी वर्सेस किंग सन टेलको। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो फासले कम होते हुए मौके घटते हुए समय व्यतीत होता हुआ और जैसे जैसे समय व्यतीत और वैसे जैसे मैं खासा दोस्तों को कहना चाहूंगा कि दर्शक काफी निराशजनक बैठा हुआ चार तो तालियों का गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जब एक बड़े आकार का मैच होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भिड़ंत होता है, तो यहाँ पे दर्शकों का उत्साह होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने गुनाधर जी, इसीलिए तो कहते हैं कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, फुटबॉल का दीवाना हो नहीं सकता, इसलिए जरूरी है। और इसके नाम पर जोरदार ताली, क्योंकि खेल के मैदान में खामोशी अच्छी नहीं लगती, खेल के मैदान में खामोशी अच्छी नहीं लगती और बिराना सा लगता है जब दर्शकों तरफ से ताली नहीं बजती। बिल्कुल ठीक कहा सिंह जी आपने, ये टूर्नामेंट ये मैचेस और भी हमें ढेर सारे मनोरंजन देगी, बशर्ते कि आप सबों की तालियों की मेहरबानी। बिल्कुल, ताली वो विटामिन है जिस विटामिन में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। ये खेल खिलाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता है और बेहिचक 100 मीटर रेस दौड़ाता है ये ताली, हो सकती है इसमें। इसलिए तो खेल का आयोजन किया जाता है सिंह जी, क्योंकि इंसान जो है अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, व्यस्त जिंदगी में दिन भर तनाव से गुजरने के बाद खेल के कुछ क्षण देखने के बाद निश्चित रूप से वो सारे तनाव मुक्त हो जाता है, हर जो उसकी मानसिक अवस्था को सुदृढ़ बनाने में खेल जो है काफी मनोरंजक होता है, क्योंकि वो ध्यान खेल के ऊपर एकत्रित करता है और इस तरह खेल को जो एक स्वच्छ मनोरंजन के रूप में भी देखा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए दर्शकों का हुजूम चारों तरफ से खेल का मैदान दर्शकों से भरा हुआ खचाखच, पिंड ऑफ साइलेंस, सब में एक ही हुजूम की बात है, जब तक कि आखिरी विशील न बचे। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और दर्शकों ताली ना बजाए ये तो गलत बात है। क्या बात है, इसी बात पे सभी दर्शक जो हमारे इस मैदान के चारों ओर है उनसे